तो आज के हमारे इस ऑनलाइन कल क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल एंड पिवट टेबल पे हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की क्यों जरूरत पड़ती है पिवट टेबल पे, पहले हम इस बात पे रोशनी डालते हैं। क्या है सर कि हमें डेटा मिलता है तो डेटा पूरी तरह से कैलकुलेटेड या पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, डेटा में थोड़ी बहुत खामियां होती है। क्या बोल रहे हैं सर? जैसे कि आपके सामने भी एक डेटा दिख रहा है, उसमें डेट है, नेम है, सिटी है, एरिया है, क्वांटिटी है। अब इसमें एमआरपी नहीं है, इसमें कमीशन नहीं है, टैक्स नहीं है, तो इस तरह की कैलकुलेशन करनी है। तो आप सोचेंगे सर तो इसके लिए पिवट टेबल पे क्या करना, हम कैलकुलेशन यहीं पे कर देते हैं। बट यहाँ पे कैलकुलेशन करने से क्या होगा कि अभी जैसे डेटा मान लीजिए वन टाइम डेटा है तो कैलकुलेट करके आपने पिवट लगा दिया, पर कुछ ऐसे डेटा पे भी पिवट लगते हैं जो डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आज एक जनवरी का डेटा है, कल दो जनवरी का डेटा नीचे पेस्ट होगा, आपने एक जनवरी का कैलकुलेशन किया, कल फिर आप दो जनवरी का कैलकुलेशन करेंगे, फिर थर्ड जनवरी का कैलकुलेशन करेंगे, तो उससे एक दिक्कत क्या होगी कि आपको हर बार डेटा अपडेट करते समय कैलकुलेशन को भी अपडेट करना पड़ेगा। बट आप पिवट के अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसका झंझट नहीं होगा डेटा में कैलकुलेशन को अपडेट करने का। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ आपको हम बताते हैं कैलकुलेशन, ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा इस समय मुझसे पूछ लीजिएगा बेझिझक। हमने पिवट यहां पर स्टार्ट किया और उसके बाद हमने यहां से मान लीजिए कि हमने नेम डाल दिया और यहां पे क्वांटिटी डाल दिया। अब मुझे यहां पे क्या करना है, सबसे पहले बताना है टारगेट, कि टारगेट जो है मान लीजिए 3000 टारगेट था तो टारगेट से कितना हुआ, या टारगेट चेंज भी होते रहता है। तो हमने क्या किया, डेटा में नीचे आया, नीचे डेटा नीचे सबसे नीचे गया और यहां पर टारगेट डेटा में ऐड कर दिया 3000। लेकिन अब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे डेटा अपडेट नहीं होगा। अब रिफ्रेश क्यों करते हैं, अगर पहले से डेटा है उसमें चेंजिंग के, मैंने मान लीजिए 70 को मैंने 65 कर दिया, तो ये जो अपडेट होगा कब होगा, जब हम अपने पिवट को रिफ्रेश करेंगे, या रिफ्रेश करेंगे तो चेंज होगा। लेकिन अगर आपने अपने डेटा में नई डेटा एंट्री की है तो रिफ्रेश करने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पिवट क्रिएट हुआ था, जब पिवट लगा था, तो उस समय आपका डेटा सिलेक्शन 797 था, तो पिवट 797 को ही कंसीडर कर रहा है, उसके नीचे वो कंसीडर नहीं कर रहा है। तो मुझे इसको अपडेट करना है तो पिवट पे क्लिक कीजिए, पिवट टेबल डिजाइन पे चले जाइए, डिजाइन नहीं, यहाँ एनालाइज पे, उसमें आपको यहां दिखेगा चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स, इस चेंज डेटा सोर्स पे जाइए, वापस चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए और आपको डेटा को वापस से रीसेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वापस से डेटा को रीसेलेक्ट कीजिए जिसमें आपका टारगेट भी आ जाए और फिर इसको ओके कर दीजिए, यहाँ पे टारगेट आ गया। तो डेटा चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं आप, ये तो समझ में आ गया। अब अगला ऑप्शन आता है कि जो टारगेट आया है इससे बाकी सबको डिवाइड करके मुझे इसका परसेंटेज चाहिए कि कितना परसेंट किसने अपना टारगेट अचीव किया है। तो मैंने क्वांटिटी को एक बार और यहां रख दिया। जी हाँ, आप जो है किसी भी कॉलम को मल्टीपल टाइम सिर्फ एक फील्ड में रख सकते हैं, वैल्यू वाले में। फिल्टर कॉलम रो में किसी एक में एक ही फील्ड रहता है, एक ही फील्ड रहता है, बट इसमें मल्टीपल टाइम रख सकते हैं। तो मैं उठाकर रख दिया, यहाँ पे क्वांटिटी 2 हो गया, तो मैं चाहता हूँ क्वांटिटी 2 परसेंटेज आ जाए। तो अगर हम नॉर्मली मान लीजिए कि मैं कॉलम ऐड नहीं करता, मैं डायरेक्टली इसको C4 डिवाइड बाय 3000 करता तो दो प्रॉब्लम होती है। पहली कि कल के डेट में 3000 मेरा अपडेट होता तो यहाँ अपडेट नहीं होता,
दूसरा, अगर मैं कोई कॉलन और ऐड करूं तो मेरी इस डेटा को रिप्लेस कर देगा, तो मुझे कैलकुलेशन चाहिए पार्ट ऑफ द पिवट। तो मैं यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी टू में यहाँ देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग दिख रहा है, वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस वैल्यू फील्ड सेटिंग में आऊंगा मैं, और आप यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा सम, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बगल में आपको दिख रहा होगा सो वैल्यूज एज, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका नो कैलकुलेशन होता है। इस नो कैलकुलेशन वाले को ड्रॉप डाउन कीजिए, तो यहाँ पे दिखेगा परसेंटेज ऑफ में नेम हम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया, वरना आप चेंज भी कर सकते हो अगर कोई और फील्ड है तो। इसके बाद नीचे देखिए आपको टारगेट दिखेगा। सुरेंद्र जी, सुनील जी, दिनेश जी, दिख रहा है सर? जी सर, जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। इसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कर, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे और भी चीजें थी, चलिए उसको भी वन बाय वन समझते हैं। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले था ग्रांड टोटल। जैसे मान लीजिए आपको कंट्रीब्यूशन निकालना हो, मतलब 40,846 से सबको डिवाइड करना हो, तो परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल ले सकते हैं, कॉलम टोटल ले सकते हैं, रो टोटल ले सकते हैं। कॉलम टोटल, रो टोटल, ग्रांड टोटल होता क्या है, एक बार इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मुझे वैल्यू यहाँ से हटाना होगा, और मान लीजिए मैंने सिटी रख दिया यहाँ पे। तो याद रखिए रो टोटल होता है जो आपका यहाँ आ रहा है, इसको रो टोटल कहते हैं। कॉलम टोटल जो आपका यहाँ आ रहा है, इसको कॉलम टोटल कहते हैं। और सबसे लास्ट में टोटल जो आता है ग्रांड टोटल कहलाता है। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में अगर आपने सो वैल्यू एज पे अगर आपने ग्रांड टोटल ले लिया, तो जितने भी फिगर है उसको 40846 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने कॉलम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल लिया, तो यहाँ जो कॉलम आ रहा है 363 है, 346 है, 376 जो आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ परसेंटेज ऑफ रो टोटल ले लिया, तो जो यहाँ ऊपर रो था उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। समझे सर? तो समझने जी, चंद्र जी, एक बार किसी का कैलकुलेशन करना है कॉलम या तो रो, ये बार करके। हाँ, कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ना, मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल ले लिया, राइट, एंड ओके कर दो। ये देखिए आ गया सर, इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं सिटी के पार्ट को हटाता हूँ, और क्या क्या इसमें है वो आप देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ये आता है पैरेंट रो टोटल, कॉलम रो टोटल। इसमें और भी है डिफरेंस फ्रॉम, आपको देखना है कि भाई टारगेट से कितना डिफरेंस रह गया है। तो यहाँ आपने टारगेट को सिलेक्ट कर दिया, तो माइनस में आ जाएगा कितना टारगेट रह गया है, कितना परसेंट टारगेट रह गया है कि 100% हो जाता, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आता होगा, आपको आएगा वो, आप यहाँ कर सकते हैं कितना परसेंट रह गया। क्यूमुलेटिव टोटल, जैसे मान लीजिए कि मैं इस बार जो है ये हटा देता हूँ, इसको मैं रखता हूँ डेट को, नेम भी हटा देता हूँ, डेट को रखता हूँ, डेट को मंथ वाइज मैं शॉर्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक किया, ग्रुप, मंथ वाइज मैंने शॉर्ट कर दिया, राइट। अब मुझे ये चीज देखना है, कि यहाँ पे जनवरी में टोटल कितना था, जनवरी में कैसे कैसे हमारा सेल इंक्रीज हुआ, क्यूमुलेटिव हुआ, वो देखना है, रनिंग टोटल इसको कहा जाता है। तो क्वांटिटी को मैंने यहाँ रख दिया, और वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया, शो वैल्यू एज कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको रनिंग टोटल दिख रहा होगा, रनिंग टोटल। ऐसे परसेंटेज में कैसे कैसे परसेंटेज बढ़ा हमारा, तो यहाँ पे रनिंग टोटल परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे और भी चीजें हैं, आप लोग एक बार सबको अप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आपको समझ में ना आए कल मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये जितना जरूरत होता है उतना मैंने इसमें समझा दिया, वैल्यू कैलकुलेशन में, वैल्यू फील्ड कैलकुलेशन में समझा दिया। हम कैलकुलेशन की दूसरी पार्टी में चलते हैं।
अब बात करते हैं फिल टू फिल कैलकुलेशन। जैसे कि मुझे एमआरपी एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है, उस पर जो टोटल आता है उस पर कैलकुलेशन करना है वगैरह वगैरह। तो पिवट टेबल ऑप्शन पे मैं आता हूँ, मैंने नेम को लिया और रो में डाल दिया, और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को डाला जिसका टोटल आ गया, और यहाँ मैं एमआरपी का एवरेज निकालता हूँ, क्योंकि एमआरपी का टोटल निकालना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे एवरेज ले लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए, बट एक टोटल अमाउंट मेरे डेटा में है नहीं, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, और यहां आपको दिख रहा होगा फिल आइटम एंड सेट, उसमें आते हैं कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड पे हम क्लिक करते हैं, यहां पे देता हूं मैं टोटल, टोटल आ गया इक्वल। अब मैं यहां पे क्वांटिटी को इंसर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय एमआरपी कर दिया, और यहां पे इसको ऐड किया एंड ऑफ किया। आ गया सर। अब मुझे इस टोटल पे मान लीजिए कि जीएसटी निकालना है 18%, तो वापस सेम में कैलकुलेटेड फील्ड में आऊंगा, जीएसटी, और यहाँ पे हम टोटल, अब देखिए जो टोटल हमने यहाँ कैलकुलेट किया था उसको भी कैलकुलेशन में ऐड किया जा सकता है, तो इसको इंसर्ट किया और मल्टीप्लाई बाय 18% और इसको ऐड कर दिया देन ओके। अब यहाँ जीएसटी आ गया, अब मुझे जीएसटी या टोटल को टोटल मतलब कमीशन में 2% निकालना है, या एक्सपेंस मान लीजिए कि पर क्वांटिटी हमारा जो है 5 रुपीज एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस हम निकालते हैं, और एक्सपेंस में हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 5, राइट। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दिया क्वांटिटी एंड आ गया टोटल, करना है इसको टोटल कर सकते हैं टोटल, मैं इसको टोटल नहीं यहाँ पे जी टोटल कर देता हूँ, जी टोटल। तो जी टोटल में हम टोटल को लेते हैं, प्लस करते हैं जीएसटी लेते हैं, प्लस करते हैं और एक्सपेंस लेते हैं अपना, और इसको ऐड कर देते हैं एंड ओके। तो ये फिगर निकल गया। तो अब कहने का मतलब है इससे पहले जो मैंने आपको 3000 नीचे ऐड किया और बताया, अब ये ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको कैलकुलेटेड फील्ड से भी कर सकते हैं। कैसे चलिए बताता हूँ आपको, क्योंकि हमारा 3000 फिक्स है, राइट। तो हमने जी सर ले लिया और क्वांटिटी का टोटल ले लिया, फिर हमने फिल सेटिंग में कैलकुलेटेड फिल में गया और हमने बोला यहाँ पे टारगेट, और उसके बाद हमने यहाँ क्वांटिटी डिवाइड बाय 3000, ठीक है, टारगेट परसेंटेज कर देता हूँ, और इसको ऐड किया एंड ओके किया। अब इसको नीचे तक हम परसेंटेज के फॉर्मेट में डाल देते। इसका नुकसान क्या है? इससे पहले जो हमने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया उसमें और इसमें जो अभी जो मैं सिखाया इसमें क्या लॉस होगा, मतलब क्या मतलब क्या दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में, बताइए। हाँ सर, डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? वैसे भी निकला था और ये हाँ, तो वही तो तरीका, दो तरीके हमने आपको बताए, बताए ना दो तरीके हमने आपको। अब मुझे आप ये बताइए ना कि इन दोनों में लॉस क्या होगा, समझे दोनों के नहीं समझे? एक तो हमने क्या किया, डेटा में ऐड किया, लॉस क्या है और बेनिफिट क्या है? जी सर,
क्या सर ओरिजिनल डेटा में टारगेट का फ्यूचर में क्या दिक्कत हो सकती है? सुनील जी आप भी बताइए। सर बेनिफिट तो ये है कि नीचे टारगेट वाला कॉलम नहीं रो नहीं ऐड होगी। नहीं वो तो और दूसरा डेटा इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो प्रॉब्लम करेगा। नहीं सुनिए बताते हैं आपको, अब आपका टारगेट फिक्स है तो इसका यूज कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपने 3000 डाल दिया ना, तो आपको कैलकुलेशन में जाके मान लीजिए कल के डेट का टारगेट हो गया 4000, तो कैलकुलेशन में जाके चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आया? जी जी सर, कैलकुलेशन में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर यहाँ हुआ तो नीचे जाएंगे और टारगेट आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो पिवट अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, अपने आप को अपडेट कर देगा। ओके समझे कि नहीं समझे? तो मैं यहाँ पे टारगेट डालूंगा, नीचे डिलीट कर दिया, फिर यहाँ पे डाल दूंगा और अपने आप हमारा ये जो है पहले वाले फीचर्स जो है वो अपडेट कर लेगा। बट इसमें मुझे यहाँ पे जाके अगर मान लीजिए 3000 पर 3500 करना है तो मुझे फील्ड आइटम टेक के कैलकुलेटेड पे जाना है। अब ऐसा नहीं कि इसको सिलेक्ट करके टारगेट मॉडिफाई कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे सेम नेम लिखने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे टारगेट परसेंटेज, जैसे नेम सेम मिलेगा ऑटोमेटिक ए एड की जगह पे मॉडिफाई हो जाएगा और पूरी कैलकुलेशन मुझे दोबारा से करनी है। यहाँ पे क्वांटिटी डिवाइड बाई 3500 देन मॉडिफाई देन ओके। पूरा करना पड़ेगा फिर तो। मुझे वहां तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नुकसान क्या है? जी सर नुकसान ये है कि आपको एक पूरा नया फील्ड ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेट है, अगर मैं डेट पे भी टारगेट लिख दूंगा तो डेट ग्रुप वगैरह नहीं होगा, अगर छोड़ दिया तो इस तरह से ब्लैंक दिखेगा, दिखे है ना सर? तो जो भी हम फीचर अप्लाई करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको एक एक ही ऑप्शन को करने का अगर दो तरीका मिल रहा है तो दोनों तरीका में डिफरेंस क्या है, दोनों तरीका किस किस सिचुएशन में बेनिफिट होगा या नुकसान दे होगा, हेलो अब आ रही है सर? वो बीच में ब्रेक हो रही थी सर आपकी वॉइस, अब आ रही आवाज। वो ब्लूटूथ का समय में हट गया था ना, ब्लूटूथ का सर हो सकता सिग्नल ब्रेक हो गया होगा। ओके तो ये समझ में आया आपको कि आपको हर दो फीचर जो भी दो फीचर से उसको यूज करना है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, फ्यूचर में अगर डेटा किस तरह से चेंज हुआ तो क्या नुकसान कर सकता है, ये सब आपको सोच समझ के फिर डिसाइड करना है कि आप लाइक करें, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं कि अभी जो हमने कैलकुलेशन इस्तेमाल किया इसमें हम जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस्तेमाल किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये किया ना सर, क्या इसमें एक्सेल फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है? एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं क्या इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अब इस पे हम चलिए बात करते हैं, इस पे एक्सेल फॉर्मूला क्या बोलना, एक्सेल के फॉर्मूले है ना जैसे? नहीं नहीं सर एक्चुअली तो एक्सेल फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको देखिए ए आ रहा है डेसिमल में, मैं चाहता हूँ कि राउंड फिगर में आए, तो उसके लिए पिवट टेबल पे आता हूँ, पिवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड में आता हूँ और यहाँ हम मान लीजिए कि एक आर टोटल के नाम से फील्ड बनाता हूँ और यहाँ मैं राउंड और हमने जी टोटल को ले लिया कॉमा जीरो बैक क्लोज और इसको ऐड कर दिया देन ओके, ऐड होगी टोटल सर। अच्छा जी सर, तो एक्सेल फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कौन से फॉर्मूले? ऐसे फॉर्मूले जिसका रिजल्ट नंबर में हो, क्योंकि यहां पे टेक्स्ट नहीं हो सकता, समझ गए ना,
कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नंबर आना चाहिए। अगर आपका वो रिजल्ट टेक्स्ट आया तो एन में इनमें आएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हमने यहां इंसर्ट किया पिवट टेबल एंड ओके, यहां पे हमने नेम डाल देता हूं और यहाँ क्वांटिटी डाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ इंसेंटिव कैलकुलेट करना है। तो इंसेंटिव कहता है कि 2000 से नीचे सेल है तो मैं 5000 दूंगा, 2000 से 2500 के सेल पे मैं दूंगा 10000, और ग्रेटर देन 2500 सेल है तो मैं इंसेंटिव दूंगा मान लीजिए 20000। तो एक कॉम्प्लिकेटेड हुआ, कई सारे इफ लगाना है इसमें। तो कैलकुलेटिव फील्ड में आते हैं और यहां पे मैं बोलता हूं INC और यहां फॉर्मूला लगाता हूं कि इफ ब्रैकेट ओपन और यहां पे सिलेक्ट कर लिया हमने अपना क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, तो यहां पे 5000 आए। अगेन एफ ब्रैकेट ओपन किया और इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला लेस देन इक्वल टू हो 2500, तो यहाँ पे हो जाए 10000, अदरवाइज 20000। और भी इसको ऐड करते हैं, फॉर्मूला इज मिसिंग। अच्छा हाँ, क्यों मिसिंग हुआ? क्योंकि हमने दो इफ हुआ, दो ब्रैकेट ओपन हुआ, तो हमने दो ब्रैकेट क्लोज भी तो करने हैं। ठीक है सर। और इसको ऐड करके ओके कर दिया। जिनका रिजल्ट टेस्ट का नहीं है वो सारे फॉर्मूलाज काम करेंगे, मतलब है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी। मज़े है? जी सर। बट ये जो आपने फील्ड ऐड किया है सर, ये मास्टर डेटा में ऐड होता है क्या सर? जब हम ऐड उसमें कुछ नहीं, 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 ये बैकएंड में ऐड होता है, मास्टर डेटा में ऐड नहीं होता है। ओके ठीक है जी सर। सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? सुनील जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डाउट तो नहीं है। तो आप लोग क्या करें, इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करें और कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके आप हमें जो है इसका कम से कम 5 एग्जांपल दें, ठीक है जी सर। 5 एग्जांपल आप लोग हमें दें, और कोई डाउट होता है तो आप हमें उसी समय पूछ सकते हैं, ठीक है जी सर। या अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
एक्चुअली सर मैंने वो एक क्लास मिस कर दी थी, वो आपने जब वो बायोमेट्रिक का बताया था ना, आपने वो मैं यूट्यूब पे डाल दिया है, मेरे चैनल से ले लीजिए। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ सर वहाँ से। बाकी आज वाला तो इजी है वैसे, इतना हार्ड एंड टफ नहीं है। हाँ, इसमें हमने अभी आपको सिंपल फॉर्मूले बताए ना, इसलिए आपको हार्ड एंड टफ नहीं लग रहा, लेकिन इसमें जब मैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रखूंगा तो हार्ड एंड टफ लगेगा ना। और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी तक उसको फॉर्मूला को किया नहीं। जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हम जब सीखेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐड करना सिखाएंगे आपको, ठीक है? ओके, जी सर। तो कल की जो क्लास हमारी होगी, कल की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल की। अब एक्सटर्नल पिवट टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जब हम पिवट लगाते हैं तो आपने देखा कि जिस फाइल में डेटा है उसी विद इन सी पे हम पिवट लगा रहे हैं, राइट? विद इन सी पिवट लगा रहे हैं, डेटा ही पड़ा हुआ है सी टू। लेकिन क्या होता है कि जब आपके ऑफिस में बहुत सारे मास्टर फाइल्स होते हैं जो कि ओपन होने में काफी टाइम लगता है, तो आप ओपन ना करके डायरेक्ट पिवट ही पैच कर लो। या बहुत सारे ऐसे आपके डेटाबेसेस हैं जैसे कि एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, एक्सेस है, इंटरनेट से है, तो इस तरह की जो डेटा कनेक्टिविटी आप डायरेक्ट पिवट में ही लेके आए, ये हम आपको कल की क्लास समझाएंगे। और थोड़ा सा पार्ट हम पावर क्वेरी का ही बताएंगे, हालांकि पावर क्वेरी को हम अगले क्लास में पूरी पूर्णता अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगले क्लास में नहीं, मतलब कि जब डेटा मेनू बार होगा तब समझाएंगे, बट पावर क्वेरी पिवट टेबल को भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है, तो ये हम आपको समझाएंगे अगले क्लास में, राइट सर? जी सर, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय। ओके सर, बाय।